आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला मुरादाबाद के ब्लॉक ठाकुर द्वारा के गांव तारापुर मदारपुर पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 56 किलोमीटर तो वहीं ब्लॉक से मात्र 6 किलोमीटर दूर है। इस गांव की प्रधान श्रीमती भागवती देवी हैं। गांव वालों ने इन्हें प्रधान चुनकर गांव की कमान इनके हाथों में सौंप दी है। इन्होंने भी जिम्मेदारी निभाते हुए गांव में अच्छा विकास कराया है। लॉकडाउन के चलते भी ग्रामवासियों को ग्राम प्रधान द्वारा काफी मदद दी गई है। वहीं ग्राम प्रधान पुत्र ने स्वतंत्रता दिवस की ग्रामवासियों व क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। ग्राम प्रधान भागवती देवी और सचिव जयलाल शर्मा के सहयोग से स्कूलों के साथ साथ सड़कों का भी काफी विकास कराया गया है। उन्होंने अपने कार्यकाल में गाँव को किस तरह से सजाया है और अभी भी क्या समस्याएं बाकी हैं, आइए जानते हैं ग्राम प्रधान पुत्र की जुबानी। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं ब्लॉक ठाकुरवाड़ा के मदारपुर ग्राम पंचायत में। यहाँ प्रधान द्वारा अब तक क्या क्या विकास कार्य करवाए गए हैं या किस तरह से लॉकडाउन के चलते कोरोना को लेकर के यहाँ लोगों की मदद की गई है और क्या परेशानियां क्या समस्याएं अभी भी यहाँ बाकी है, सबके बारे में हम ग्राम प्रधान पुत्र से यहाँ जानकारी लेकर आपको बताएंगे। तो आइए बात करते हैं प्रधान पुत्र से। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। जैसे कि ये कार्यकाल लगभग पूरा समाप्त हो चुका है, होने पर ही है, तो क्या क्या विकास कार्य आपके गांव में हो चुके हैं अब तक? सड़कें बनवाई गई हैं और स्कूलों में भी काम किया गया है और अपने ग्राम पंचायत के लिए जो है जो जनप्रतिनिधि हैं हमारे सांसद जी और सर्वेश जी, उनसे भी जो है हमें जो है काम में सहायता मिली है, रास्ता मिला है उनसे भी, और हमारे मंत्री जी भूपेंद्र जी उनसे भी जो है हमें एक मने कि आपके अलावा यहाँ और भी जनप्रतिनिधियों का योगदान रहा है गांव में विकास की ओर, उन सड़कों को लेकर के जो उनसे आपको मदद मिली है। जी, इसके अलावा यहाँ जैसे लोगों को सभी जो सरकार की योजनाएं चलती हैं उनका लाभ पूरा पूरा मिलता है। जी, जो है लोगों को करीब 35 से 40 प्रधानमंत्री आवास दिलवाए गए हैं जी, और शौचालय भी लगभग 200 के समथिंग जो है शौचालय बनवाए हैं। जी, सरकारी बिल्डिंग में यहाँ स्कूल के अलावा बारात घर, पंचायत भवन ये बने हुए हैं। अभी पंचायत भवन के लिए जो है सरकारी आदेश आ चुके हैं और हमारे यहाँ जो है जमीन भी आवंटित है उसके लिए जी, और उप स्वास्थ्य केंद्र बन चुका है हमारे यहाँ, सार्वजनिक शौचालय के भी जो है आदेश हो चुके हैं, तो बस अब प्रक्रिया चल रही है, तो बस अब निर्माण कार्य शुरू होता है। जो स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है उसका उसकी सुविधा यहाँ लोगों को मिलती है, दवाइयाँ वगैरह मिल जाती है, सभी सुविधाएं मिल जाएंगी। अब अपने गांव को और विकसित और सुंदर बनाने के लिए क्या बस यही है कि अच्छे से काम चलता रहे, लोग जो है अपना जो उनके विकास कार्य हैं उनकी जरूरतें हैं जी। जैसे कुछ सरकारी नलों की जरूरत होती है जो अब गांव से थोड़े बाहर हैं, मोहल्ले हैं, घर हैं, उनके लिए जो है नलों की आवश्यकता है तो उन्हें नल मिल जाए जी। और जो अभी कुछ लोग आवास से रह गए हैं, वंचित रह गए हैं, उनके लिए जो है जल्द से जल्द सरकार आवास देने की कृपा करे। कोरोना को लेकर के किस तरह से यहाँ आपने अपने गाँव में लोगों को जागरूक किया है, किस तरह से आपने योगदान दिया है पूरे समय में कोरोना काल में? जब से लॉकडाउन लगा था तब से जो है हम लोगों के बीच में गए और लोगों को ये जानकारी दी कि आप जो है ये सावधानियां बरतें, हाथ धोएं बार बार और जो है कम गैदरिंग मतलब इकट्ठे ना हों एक जगह। इस तरह अभी जैसे अनलॉक हो चुका है तो क्या नहीं, अभी ऐसा तो नहीं है कि इसमें लापरवाही बरतने के लिए लोगों के द्वारा? अभी नहीं, क्योंकि जो हमारी आशाएं हैं और जो हमारा स्कूल का स्टाफ है वो भी जो है मतलब निरंतर अभी अपनी कोशिश जारी है कि लोगों को जागरूक करता रहा जाए जी। 15 अगस्त को लेकर के, स्वतंत्रता दिवस को लेकर के आप अपने ग्रामवासियों से कुछ शुभकामना संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने सभी ग्रामवासियों को क्षेत्रवासियों को जो है 15 अगस्त की शुभकामनाएं देता हूँ और इस पर मैं सिर्फ एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि सभी लोग अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। जैसा कि आपने देखा ग्राम प्रधान पुत्र से हमने यहाँ बातचीत की है, काफी विकास इन बीते 4-4.5 सालों में यहाँ इनके द्वारा करवाया गया है, जैसे सीसी टाइल्स कार्य, सड़क निर्माण, नाली निर्माण, जनप्रतिनिधियों की मदद से भी यहाँ काफी जो सड़क निर्माण का कार्य है मदद है यहाँ ली गई है, गाँव में काफी विकास में उनका योगदान रहा है। इसके साथ ही स्कूल में भी सौंदर्यकरण का कार्य करवाया गया है, सार्वजनिक शौचालय जिसका निर्माण कार्य अभी भी जारी है। इसके अलावा अगर समस्याओं की तरफ नजर करें तो कुछ समस्याएं यहां बाकी हैं, जैसे लगभग 17 से 18 परिवार यहां अभी ऐसे हैं जिन्हें आवासों की जरूरत है। यहां पर जो प्रमुख मांग है वो नलों को लेकर के की गई है, क्योंकि कुछ लोग यहाँ गाँव के बाहर दूर इलाके में रहते हैं, उनके लिए नलों की आवश्यकता है। अशरफ अली के साथ मनाजी।